सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जानी मानी एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का निधन हो गया। मात्र 19 साल की उम्र में सुहानी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुहानी के निधन की खबर से उनके चाहने वाले बेहद दुखी हैं। लोग दंगल गर्ल की वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके निधन की खबर ने फैंस को हिलाकर रख दिया। आज ही सुहानी का सेक्टर 15 फरीदाबाद के अजरौंदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुहानी के पैर में कुछ समय पहले फ्रैक्चर हो गया था। इलाज में जो दवाएं दी गई उनका नेगेटिव असर हुआ और सुहानी के पूरे शरीर में पानी भर गया था। बीते दिनों सुहानी का इलाज एम्स में चल रहा था। इसी बीमारी से शुक्रवार शाम को उनका निधन हो गया। सुहानी भटनागर बॉलीवुड की जानी मानी चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उन्हें आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल से लाइमलाइट मिली। फिल्म में उन्होंने जूनियर बबीता फोगाट का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहाया गया। वो कई टीवी एड्स में भी काम कर चुकी थी। सुहानी भटनागर 25 नवंबर 2021 के बाद से इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव नहीं थी। हालांकि इससे पहले वो अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती थी। सुहानी का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग हैरान रह गए थे। सुहानी का लुक काफी बदल गया था। वो पहले से ज्यादा ग्लैमरस हो गई थी। फिलहाल सुहानी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दंगल गर्ल अपनी भूमिका में हमेशा ही लोगों को याद आएंगी।